इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कंप्यूटर में ब्लूटूथ कनेक्ट कैसे कर सकते हो। तो फ्रेंड, आप भी यूज करते हो पीसी या लैपटॉप, तो उसमें आपको जो विंडोज 7 यूज करते हो या विंडोज 10 यूज करते हो, किसी भी उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो, तो उसमें आपको आसान तरह के ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो। तो ब्लूटूथ का जितना प्रॉब्लम है ना, तो सभी मैंने वीडियो बना दिया है। सभी वीडियो के लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएंगे, तो उसमें जाके देख लीजिए। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर में ब्लूटूथ कनेक्ट कैसे कर सकते हो। तो फ्रेंड, इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, इस हमारा जो पीसी है, तो इस पीसी में हमें ब्लूटूथ कनेक्ट करना है। और ब्लूटूथ कनेक्ट करने से सबसे पहले आपके पीसी में ब्लूटूथ इंस्टॉल होना चाहिए, तभी आप पीसी में ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो। तो आपको पीसी में ब्लूटूथ को डाउनलोड करके कैसे इंस्टॉल करना है, तो इस वीडियो के लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएंगे, तो उसमें जाके देख लीजिए। तो चलिए हम पीसी में चेक कर लेते हैं कि हमारा पीसी में ब्लूटूथ इंस्टॉल है या नहीं है। तो आपको सबसे पहले जो कंप्यूटर है, तो उसमें आपको राइट साइड क्लिक करना है। तो चलिए मैं कंप्यूटर पे राइट साइड क्लिक करता हूँ और आपको मैनेज पे क्लिक कर देना है। और मैनेज पे क्लिक करने के बाद आपको डिवाइस मैनेजर पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं डिवाइस मैनेजर पे क्लिक कर देता हूँ। तो उसमें आपको कई सारे डिवाइस देखने को मिल जाएंगे। तो उसमें आप देख लीजिए कि हमारा जो ब्लूटूथ है, भाई हमारा पीसी में सही से इंस्टॉल है। तो चलिए मैं जूम करके आपको बता देता हूँ। तो अभी देख लीजिए कि हमारा जो ब्लूटूथ है, भाई हमारा सही से हमने पीसी में इंस्टॉल किया है। तो आपको सबसे पहले इस तरह इंस्टॉल कर देना है। और आपको कैसे इंस्टॉल करना है, तो इस वीडियो के लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएंगे, तो उसमें जाके देख लीजिए। तो सही से हमारा पीसी में इंस्टॉल हो गया है। तो चलिए मैं ब्लूटूथ को कनेक्ट करते हैं कि उसमें हमारा कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं सबसे पहले क्लोज करता हूँ। और क्लोज करने के बाद आपको जो टास्क बार पट्टी है, तो इस पट्टी में आपको जो ब्लूटूथ का आइकन है, भाई आपको उसमें शो हो जाएगा। तो उसमें आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं जूम करके आपको बता देता हूँ कि हमारा जो ब्लूटूथ का आइकन है, भाई हमारा पीसी में जो टास्क बार पट्टी है, तो इस पट्टी में हमारा शो हो रहा है। तो उसमें आपको माउस से राइट साइड क्लिक करना है। और राइट साइड क्लिक करने के बाद आपको एड जो ब्लूटूथ डिवाइस है, तो उसमें आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद उसमें आपको कई सारे डिवाइस का नाम देखने को मिल जाएंगे। तो उसमें आपको फोन पे क्लिक कर सकते हो और आपको ऑडियो वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। चलिए हमारे पास जो मोबाइल है, वही हमें उसमें जो ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है, तो मैं फोन पे क्लिक कर देता हूँ। तो आपको इस तरह एड ब्लूटूथ डिवाइस में जाना है और आपको फोन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं फोन पे क्लिक करता हूँ। तो हमारा मोबाइल में जो ब्लूटूथ हमने ऑन किया है, तो हमारा मोबाइल का नाम है, वही हमारा पीसी में शो हो गया है। तो चलिए उसमें मैं क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए उसमें हम क्लिक करते हैं। और क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो उसमें जो ब्लूटूथ है, वही हमारा पीसी में कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, तो उसमें जो प्रोसेस है वही स्टार्ट हो गया है। तो चलिए मैं फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो हमारा जो पीसी है, तो इस पीसी में जो ब्लूटूथ है, वही हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा। तो अभी देख लीजिए कि हमारा जो उसमें मैसेज जो हो गया है सक्सेसफुल का। तो इस तरह आपको पीसी में ब्लूटूथ को कनेक्ट करना है, तो भाई आपको आसान तरीके कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए हमारा सही से कनेक्ट हो गया है, तो उसमें मैं क्लिक करता हूँ। और क्लिक करने के बाद आपको उसमें देखना है, तो आपको कंप्यूटर में जाना है। और कंप्यूटर में जाने के बाद आप देख लीजिए कि हमारा ब्लूटूथ जो उसमें इंस्टॉल है, तो उसमें मैं क्लिक कर देता हूँ। तो आपको इस तरह उसमें जो आपने इंस्टॉल किया है, तो भाई आपको उसमें क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद हमने जो मोबाइल कनेक्ट किया है पीसी में ब्लूटूथ से, तो उसमें हमारा जो नाम है, वही हमारा शो हो रहा है। तो उसमें आपको ओपन पे कर सकते हो। और आपको जो दूसरा डिवाइस पे कनेक्ट करना है, तो दूसरा उसमें आपको डिवाइस पे कनेक्ट कर सकते हो। और उसमें जो आपको ब्लूटूथ का सेटिंग पे दिखने को मिल जाएंगे, तो आपको जो ये डिवाइस है, तो उसमें आपको क्लिक करके जो आपका जो स्पीकर है ब्लूटूथ का, वही आपको कनेक्ट करना है। तो उसमें आपको ऑडियो पे क्लिक करके उसमें कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन आपने जो उसमें जो डिवाइस कनेक्ट किया है, भाई आपको रिमूव करना है, तो आपको माउस से राइट साइड क्लिक करना है और आपको ओपन सर्विस पे कर सकते हो और आपको रिमूव पे कर सकते हो। तो चलिए मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ। तो उसमें जितना जो सर्विस है, भाई ओपन हो जाएगा। तो उसमें आपको क्लिक करके भी उसमें चेक कर सकते हो। तो
तो चलिए हमने जो ब्लूटूथ के उसमें जो डिवाइस कनेक्ट किया है तो उसको हमें रिमूव करना है, तो आपको राइट साइड क्लिक करना है और राइट साइड क्लिक करने के बाद आपको रिमूव डिवाइस पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं रिमूव डिवाइस पे क्लिक कर देता हूँ, तो हमने जो ब्लूटूथ से कनेक्ट किया है वही हमारा रिमूव हो जाएगा। तो चलिए मैं रिमूव डिवाइस पे क्लिक कर देता हूँ, तो हमारा जो मोबाइल हमने कनेक्ट किया है वही हमारा रिमूव हो जाएगा। लेकिन फिर से आपको किसी भी जो उसमें ब्लूटूथ कनेक्ट करना है जो स्पीकर या मोबाइल, तो आपको ऐड डिवाइस पे क्लिक कर देना है और ऐड डिवाइस पे क्लिक करने के बाद आपको फोन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अभी देख लीजिए कि हमारा जो मोबाइल है वही हमारा शो हो गया है, तो उसमें मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद चलिए मैं फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो आपको इस तरह क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, तो हमारा जो मोबाइल है वही हमारा पीसी में कनेक्ट हो जाएगा ब्लूटूथ से। तो आपको इस तरह कनेक्ट भी कर सकते हो, जो स्पीकर कनेक्ट करना है तो उसमें आपको स्पीकर या हेडफोन कनेक्ट करना है तो वह आपको आसान तरीके ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो। तो अभी देख लीजिए कि उसमें हमारा सक्सेसफुल हो गया है। तो वो चलिए मैं क्लोज पे क्लिक कर देता हूँ, तो हमारा पीसी में जो ब्लूटूथ है वह हमारा कनेक्ट हो गया है। तो आपको इस तरह पीसी या लैपटॉप में इस तरह जो ब्लूटूथ कनेक्ट करना है तो वह आपको आसान तरीके कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मैं क्लोज पे क्लिक करता हूँ और क्लोज पे क्लिक करने के बाद चलिए मैं टास्क बार पट्टी में जाता हूँ और उसमें हमारा जो ब्लूटूथ का आइकन है वही हमारा उसमें भी शो हो रहा है और आपको इस तरह जो ब्लूटूथ पीसी में कनेक्ट करना है तो वही आपको आसान तरीके कनेक्ट कर सकते हो। तो अभी देख लीजिए कि हमारा ब्लूटूथ का आइकन है वही हमारा उसमें शो हो रहा है और आपको एड ब्लूटूथ डिवाइस में जाके कनेक्ट पे करना है तो उसमें आपको आसान तरीके कनेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड जो सभी प्रोसेस था तो इस प्रोसेस में आपको कम्प्लीट स्टेप बाय स्टेप बता दिए कि आपको पीसी में ब्लूटूथ को कनेक्ट करना है तो इस तरह आपको आसान तरीके कनेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।